ये कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन है हमारे पास, जिनके बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे और पूरा डिटेल देंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में इन एंटीबायोटिक के बारे में। तो वीडियो पर रुका रहिए थोड़ी देर और वीडियो पूरी देख कर जाएँ फ्रेंड्स, तो आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। फ्रेंड्स पहले जो हम बात करने वाले हैं वो ओडोक्सिल टैबलेट की करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि एक एंटीबायोटिक है जो लुपिन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। फ्रेंड्स इस टैबलेट का यूज़ जैसे कि निमोनिया, टॉन्सिलाइटिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आदि के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। इस टैबलेट को कभी भी अपने डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए, और अगर आप इस टैबलेट को लेना शुरू करते हैं तो पूरी कोर्स को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ओडोक्सिल के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया और स्किन रेसेस। और फ्रेंड्स अगर आपको सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन वगैरह। फ्रेंड्स दूसरे नंबर पर जो हमने टैबलेट रखी है एंटीबायोटिक, वो है फ्रेंड्स सिप्लोक्स 500 एमजी टैबलेट वाले। फ्रेंड्स ये एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। फ्रेंड्स सिप्लोक्स टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है और वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करता, इसलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया और स्टोमक पेन। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा समय तक परेशान करते हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। जो अगली मेडिसिन है हमारे पास फ्रेंड्स मॉक्स कैप्सूल, जिसका साल्ट होता है एमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट। ये कैप्सूल भी फ्रेंड्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स मॉक्स कैप्सूल में फ्रेंड्स एमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट होता है, जो कि एक एंटीबायोटिक है। ये इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है फ्रेंड्स। लेकिन ध्यान रखें कि मॉक्स कैप्सूल को बिना अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा ये कैप्सूल प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन को अवॉइड करना चाहिए फ्रेंड्स। सो डियर फ्रेंड्स अगली जो टैबलेट है हमारे पास वो है फ्लैजिल 200, जिसका सॉल्ट है फ्रेंड्स मेट्रोनिडाजोल, जो कि एवर्ट कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। फ्रेंड्स ये एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली इसका यूज है फ्रेंड्स एब्डोमिनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स इस मेडिसिन का यूज़ अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज़ करें, क्योंकि इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे डिजीनेस है, डिजीनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक एक्सेट्रा। फ्रेंड्स इस टैबलेट को प्रेग्नेंट वूमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स इस्तेमाल नहीं कर सकती, इससे न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स अगर आपको लीवर या किडनी प्रॉब्लम है तो भी इस टैबलेट को अवॉइड करना चाहिए, या फिर अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स तो ये थी मेरी कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर करें फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।